कि एंटर प्रेस कर दिया आपको बोले अगर आपने एंटर प्रेस किया है तो कर्सर आपका यहां ब्लिंक कर रहा होगा कर रहा है ना अब यहां से यहां पे लाने के लिए क्या करेंगे बैक स्पेस एक और तरीका बताइए हम इससे एरो की से ऊपर कौन से की का उपयोग करेंगे अप करके फिर राइट कर सकते हैं अप करके राइट कर लेफ्ट अगर अप करूंगा यहां से अगर होगा मतलब ऊपर करूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा वर्क यहां पे लाना कर से ये यहां पे है अगर मैं ऊपर वाला एरो की यूज करूंगा तो ये यहां पे आ गया ऊपर राइट ले लो अब मुझे कहां जाना है ई के एंड में तो मैं कौन सी एरो की का उपयोग करूंगा राइट आगे वाला दाहिने साइड का उसको दबाऊंगा कितनी बार 1 2 3 4 5 6 तो ई पे आ जाएगा अब उसके बाद क्या करना है मुझे बीच में लाना है ऑडियो में क्या बोला गया बीच में लाना है बीच में लेफ्ट तो लेफ्ट लेके आऊंगा यहां पे ठीक है अब इसके बाद सुनते हैं कि क्या करना है सबने सब लोग का कर्सर यहां पे बीच में है जी एक बार मिनी मैच करो सब लोग बीच में लाइए अपने कर्सर को यहां पे सबका कर्सर होना चाहिए आरएन सबको समझ में वीडियो प्ले करो ऐसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मैंने आपको पूरा समझा दिया अब यहां पे लेफ्ट एरो की का समझाया जा रहा है अब आपका कर्सर ऑरेंज के बीच में है लेकिन आपको अपने कर्सर को बनाना के बाद में लाना है तो आप सबसे पहले अप एरो की को ऑरेंज के बीच में है अब बनाना पे ले जाना है तो क्या करेंगे अब ऊपर वाले एरो की का उपयोग करेंगे कीजिए और फिर राइट एरो की का उपयोग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब क्या करना अब है आपका कर राइट एरो की का उपयोग करना है ऊपर बनाने के पास आने के बाद आगे लिख देना है उसके बाद प्ले करो कर्सर बनाना के राइट साइड में होगा जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है अब आप एक बार बैक स्पेस बटन को दबाएं तो देखें कि वहां से ए मिट जाएगा बैक स्पेस दबाना है कौन सा होता है बैक स्पेस की कोई बैक स्पेस की कौन सा होता है इसमें कौन सा है बैक स्पेस की प्लस प्लस ये सबको पता है ये बैक स्पेस की होता है इसको दबाना है प्रेस करना है तो क्या होगा जो लास्ट वाला ए है वो मिट जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मिट गया ना ये फिर वीडियो देखते हैं क्या होता है अब आप फिर से बैक स्पेस को एक बार दबाएंगे तो एन मिट जाएगा इस प्रकार से बैक स्पेस से आप मिटाते हैं ठीक है बैक स्पेस का समझ में आ गया दिखाना नहीं नहीं प्ले कर दो ये बैक स्पेस वाला शायद तीसरी चौथी बार अब आप अपने कर्सर को अप एरो की के मदद से पहले लाइन में लेके आए अब क्या करना है जो एप्पल लिखा हुआ है वहां पे लेके आना है पहले ऊपर तो अप एरो की यूज करेंगे तो एल और पी के बीच में आ जाएगा आ गया ना सेम चल रहा है वीडियो की तरह ही प्ले करो अब सुनिए क्या करना है सर एप्पल लिखे हुए वर्ड्स के बीच में आ जाएगा अब आप डिलीट बटन को एक बार प्रेस करें अब क्या करना है तो आप देखेंगे पी और एल के बीच में कर्सर को लेके आना है और डिलीट ई का उपयोग करना है तो क्या होगा एल डिलीट हो जाएगा फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ई भी डिलीट हो जाएगा तो इस तरह से हम एरो की के साथ में बैक स्पेस डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं स्पेस और डिलीट का उपयोग करते हैं सबको दिए गए शेप्स के नाम लिखना है अब आपको शेप्स के नाम लिखने हैं अब जो आपने टेक्स्ट टाइप किया था आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं
उसे हटा के डिलीट करके अब शेप्स के नाम टाइप करेंगे। ये कौन सा शेप है? सर्कल। ऐसे ही आगे आपको और भी शेप्स आएंगे, नंबर्स होंगे, जैसे नंबर्स होते हैं ना 1, 2, 3 ऐसे वाले। उसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्ट जैसे फैन, कंप्यूटर, इस टाइप के चित्र दिखाए जाएंगे, उनके नाम देख के आपको टाइप करने हैं। तो ये चीज है आपका मतलब 7 और 8 क्लास में पेन के अंदर कैसे टाइप करते हैं। क्लियर है कि दो चार चीज और टाइप करा दो। टाइप करने का समझ में आ गया? क्योंकि कल के बाद से जैसे हमारा ये पेंट खत्म होता है फर्स्ट सेशन के बाद से आप टाइपिंग का ही शुरू करेंगे, राइटर का, फाइल डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना, उनके अलग अलग फॉर्मेटिंग करना, बहुत सी सारी चीजें हैं। क्लास 8, 9 दिखाऊं मैं? 9 में क्या है, क्योंकि अभी मेरे पास 15-20 मिनट टाइम है, कर लें, क्लोज कर लें। एक बार 9 देख लेते हैं, कल इजी रहेगा हमारे लिए। सर आप क्लास ले लो। गुटेड क्लास 9 आप पूरा कर लेंगे अभी। हाँ, जो भी क्वेश्चंस आएंगे 7 और 8 के मिक्स रिवीजन होंगे और कुछ नए टूल्स होंगे, आप उनको पूछो क्वेश्चन, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो पाएंगे। ऑल ऑफ यू, पिछली कक्षा में आप सभी ने कीबोर्ड के बारे में सीखा। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड का उपयोग आप किस लिए करते हैं? जब क्वेश्चन आए तो रुक के पूछिएगा, इसको उनको बोल दीजिए, करा कर दीजिए ना आपका बात। कीबोर्ड तो पता है क्या होता है, पहले भी पूछा था। पूछिए आप इनसे पूछिए, ये कोई मेरे को पता है कि 4-5 लोग आंसर करेंगे, बाकी परफेक्ट आंसर नहीं देंगे। आप पूछिए, टाइपिंग करने के लिए हैं, कोई भी चीज टाइपिंग करते हैं तो पूछिए क्या टाइप करते हैं, कोई भी लिखते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं आप बताओ। नाम लिख सकते हैं किसी चीज का, कैसे लिखोगे? ऐसे कीवर्ड्स। कीबोर्ड टाइपिंग कर प्ले करूं क्या? हां प्ले करो। करने में हमारी मदद करता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? वीडियो भाई क्वेश्चन पूछ रहा, मैं भी बैठ रहा हूं। कितनी कीज होती है? इतनी बताया था। हां बताया था सर, तब मैं नहीं था। आप पूछिए, इनको पता होगा, ये बता देंगे। कितनी कीज होती है कीबोर्ड में? टोटल कीज 64 हैं। नोटबुक या लैपटॉप में ऐसे डिफरेंट होता है, काउंट करेंगे तो 84 होगी, बट उसके ऊपर जो सिंबल्स होते हैं वो भी कीजी होते हैं, तो वो एप्रोक्सीमेट जो होते हैं 101 से लेके 105 तक। ये जो सवाल है ना, ये कितने प्रकार की की होती है, इस तरह से पूछा जाना चाहिए। तो जैसे ऐसा देखो उसके साथ प्रकार तो कम ही होंगे ना, प्रकार तो प्रकार स्पेशल से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है तो 6-7 होंगे प्रकार के, तो कहा जाए तो 84 भी तो बोला जा सकता है। एक्चुअली वहां कुल कितनी पूछ जाता है कि आपने एक तरफ से वो बता रहे, फिर 101 से 105 बता रहे, देखिए हम ये सब चीजें हैं। थोड़ी सर बता दूं सर आपको, अगर यहाँ पे लैपटॉप होता ना, जैसे ये वाला है नोटबुक, इसमें अगर आप काउंट कीजिएगा 84 होंगे टोटल, और इसमें काउंट कीजिएगा तो ये जो हमारे कीज होते हैं, इस समय व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि कीबोर्ड हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहा है, हम ये कीबोर्ड दिख रहा है। अब इस कीबोर्ड में अगर हम बात करें, इसमें कितनी है? ये लैपटॉप पे 84 ही है। भाई सर, कीज तो डिपेंड करती रहती है, अगर कीबोर्ड मल्टीमीडिया है तो ऊपर कीज और हो जाएंगी, वॉल्यूम पे हो जाएंगी, वाईफाई की हो जाएंगी, और भी आ जाते हैं, और भी आ जाएंगी। जैसे नॉर्मल 84 इंपॉर्टेंट अभी है कि कितने टाइप की कीज इंपॉर्टेंट। हां ये ज्यादा वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो सभी चीज होती है। जिस तरह से आपने भी बताया था ना कि हम ये नंबर की बता रहे हैं, ये अल्फाबेट की, तो वो टाइप में चला जाएगा, तो कितने प्रकार की होती है, ये प्रकार शब्द लगता है, यही बताया ये कोश, ये तो है सही, टोटल कितने प्रकार की और अगर डिफाइन क्या हुआ है? हाँ नहीं आपने बताया, इसी के अकॉर्डिंग बताया है आपने। एक जनरल सा क्वेश्चन है कितने कीबोर्ड में,
एक बच्चा कहता है कि वो एक कहता है 101 101 कहता है 101 हमने तो वो नंबर नहीं और मैं डिफाइन कर रहा हूं सभी राइट होगा आपने अभी डिफाइन किया था ना डिफाइन को आप सही मान आप ये रिलेटेड आपका आंसर होगा ये बता रहा है कि वो वोटर में काउंट पे जो चीज है वो अब इसको आप निकाल लेते हैं सर ये कह रहे हैं जैसे काउंटिंग कर लेते हैं जैसे अल्फाबेट कीज कितनी है नंबर कीज कितनी है सिंपल कीज कितनी है फंक्शन कीज कितनी है उससे पता चल जाएगा ये एक्स्ट्रा कीज पता लग जाएगा ना वैसे अगर आप वीडियो में देखेंगे इसमें भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया कि 84 वीडियो में यही बताया कि ये अल्फाबेट की है उसमें भी अप्रोच किया कि नंबर कीज उस तरह का नंबर कीज हो गया तो वहां प्रकाश शब्द का इस्तेमाल कर रहा है एक नॉर्मल कीबोर्ड में 100 से लेकर 105 कीज अथवा बटन होते हैं एमएस पेंट एक नॉर्मल कीबोर्ड में 100 या 100 से लेकर 105 तक के बटन होते हैं या कीज होते हैं जी बटन या कीज वॉल्यूम बोला क्या है टेक्स्ट की बात है कि कितने टोटल कुल कीज होते हैं लिखा नहीं है ऑडियो में कितने कुल कीज होते हैं अब कीज में ये डिफाइन करना है कि ये जी ये काउंट करेंगे आप नॉर्मल कीबोर्ड ये नॉर्मल कहलाता है लैपटॉप नोटबुक की बात करेंगे 84 होगा अब कुल कितने कीज होते हैं सर अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर आपने कहा 84 लैपटॉप में हमने काउंट किया देखिए जब हम बोले ना बच्चों